नमस्कार, मैं हूं राज सक्सेना और आगरा शोध संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा मतलब जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है, मैं एक ऐसी मैजिक गर्ल से आपको मिलवाना चाह रहा हूं जिसका नाम है अंजलि, जो कि आपको अपनी मेडिटेशन से ऐसी कुछ चीजें उसने प्राप्त करी हैं कि आप उसको देखकर एकदम से दंग रह जाएंगे कि आंखों पर पट्टी बांधने के बाद भी वो हर चाहे जो किताब पढ़ सकती है, आपको कलर्स पहचान के बताएगी कोई सा भी कलर कैसा है, मतलब ये सब हुआ है मेडिटेशन से। तो पहले हम आज परिचय कराएंगे आपको, उस बच्ची से मिलवाएंगे, उसके बाद देखा आपको बताएंगे कि इसके पीछे की साइंस क्या है। तो आइए आपको हम मिलवाते हैं अपनी अंजलि द मैजिक गर्ल से। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि सक्सेना है। तो मिलिए हमारी छोटी बहन अंजलि सक्सेना से। तो ये आज क्या करने वाली है वो आप आगे देखिएगा कि हम अंजलि की आंखों पर पट्टी बांध देंगे और पट्टी बांधने के बाद हम अंजलि से पूछेंगे कि किस किताब में कहां पर क्या लिखा है, और ये खुद भी पढ़ के बताएंगी आगे से कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ठीक है, तो मैं आपके सामने इसकी आंखों पर पट्टी बांध देता हूँ। तो अंजलि जरा ऐसे हो जाओ। एक्चुअली क्या है कि हम कॉटन का प्रयोग करते हैं आंखों पर पट्टी बांधने से पहले, क्योंकि आंखें मतलब खुल ना जाए कैसे भी करके। ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, आंख पर पट्टी बांधी है। तो अब आप देख लीजिए कि इसकी आंखों पर हमने पट्टी बांधी है, और अब ये मतलब समझ लीजिए कि अब थोड़ी देर बाद अपनी जो मेडिटेशन की जो इसकी शक्तियां हैं जो इसने मेडिटेशन से प्राप्त करी है वो एक अलग साइंस होती है, जिसको हम आगे मतलब जो दूसरा वीडियो बनाएंगे उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या ऐसी साइंस है जिससे कि बच्चा आंख पर पट्टी बांधने के बाद उसकी कौन सी मतलब जो थर्ड आई है वो कैसे खुलती है, और कैसे बच्चे आगे कर आगे मतलब कलर्स को पहचानने लगते हैं, कैसे बुक्स को रीड करने लगते हैं, और कैसे बच्चे मतलब इतने ओवर मतलब समझ लीजिए रिलेट हो जाते हैं, उनका दिमाग इतना शार्प हो जाता है कि आप कोई मैथ का क्वेश्चन दें या साइंस का क्वेश्चन दें या फिर इंग्लिश पढ़वाएं तो बच्चा बहुत तेज हो जाएगा उसमें। तो मैं जरा अनुरोध करूंगा अपने भाई से कि जरा कुछ बॉल्स जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हैं वो हमें यहाँ पर दें, जैसे कि हम आप लोगों के सामने ये दिखा पाए कि बच्ची कैसे पहचानेगी किसी भी चीज को। तो मैंने इतनी सारी बॉल्स आपके सामने यहाँ रख दी हैं, तो देख पा रहे होंगे आपकी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की यहाँ पर बॉल्स लगी हुई है। और अब मैं अंजलि से बोलूंगा कि वो इनको पहचान करे कि कौन सी बॉल कहां पर और किस उसमें रो में रखी हुई है। तो अंजलि थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ और बताओ यहां पर क्या क्या रखा है और कौन सी बॉल कैसी है, कलर बताइएगा। मैं इसके हाथ में उठा के देता हूं, ये वाली बॉल उठा के दे देता हूं इसको, इसका कलर बताओ क्या है। ऑरेंज। इसका कलर बताओ क्या है। येलो। थोड़ा तेज बोलो। येलो। अब इस टेबल पे इस बॉल को रख दो और अब इसमें से रेड कलर उठा के दिखाओ। और रेड कलर उठा दिया, अब इसको रख दो इसी पर। अब उठाओ आप इसमें से ग्रीन कलर। तो देखा आपने कि कैसे बच्चे का जो ब्रेन है वो इतना शार्प हो चुका है कि वो बच्ची आंखों पर पट्टी बांधने के बाद भी कलर्स को आइडेंटिफाई कर रही है, जो आप बोल रहे हैं मतलब जो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ वही कलर बच्ची उठा पा रही है। तो अभी बेटा ये बताओ कि इसमें कौन कौन से कलर की बॉल कहाँ पर रखी हुई है, उंगली से टच करके बताओ। टू ऑरेंज। हाँ, गुड। येलो। गुड। वन पिंक। हाँ, वन ग्रीन। तो मैं थोड़ा सा इन बॉल्स को इधर उधर कर देता हूँ।
फिर पूछूंगा उससे कि कौन सी वाली जो वो है बॉल कहाँ पर रखी है, तो थोड़ा तेज बोलना अंजलि, आप बताओ उठा उठा के कि कौन सी बॉल कौन सी, और मेरे हाथ में लेते जाओ उसको। देखिए आप, इसने अपने आप ऑटोमेटिकली बताया है कि ग्रीन कौन सी है, येलो, रेड, पिंक, येलो, रेड, गुड। तो अब आप जान चुके होंगे कि मतलब ये है कि मेडिटेशन है, और मेडिटेशन के जरिए ही हम बच्चों को इतना एक्टिव कर देते हैं कि वो आंख पर पट्टी बांधने के बाद भी कलर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं कोई सी बुक। तो अगला टेस्ट हम थोड़ा सा, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कलर के मतलब कलर्स रखे हुए हैं, तो उनको क्या है कि बच्ची से पहचान करवाएंगे कि कौन सा वाला कलर किस तरह, कौन सा वाला कलर क्या है, और मेरा मेरे हाथ में जो कलर्स रखे हैं, देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट कलर मेरे हाथ में है, अच्छे से आप देख पा रहे होंगे। इनको मैं थोड़ा सा मिला देता हूँ, मिक्स कर देता हूँ कलर्स को, और यहाँ पर मैं इनको रख देता हूँ कि ये डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं। तो मैं अंजलि से पूछूंगा कि इसमें से उठा लेता हूँ मैं कलर्स को, या फिर अंजलि को उठा लेगी। तो अंजलि, यहाँ पर बहुत सारे कलर्स ऐसे रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो मैं मतलब ऐसा करो इसमें से स्काई ब्लू कलर उठा लो। देखिए बच्ची ने खुद उठाया है, मैंने उसको बोला स्काई ब्लू कलर उठा लो और उसने स्काई ब्लू कलर उठाया है। अब आप ऐसा करो, अपने आप उठाओ और कलर का नाम बताओ। रेड, ये रेड कलर इसने बोला है, थोड़ा तेज बोलो। रेड, हाँ, येलो, इसने बोला है येलो कलर है, और ये येलो कलर है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। आप दोबारा बताइए क्या है। ब्राउन, गुड, वेरी गुड। पिंक, गुड। पर्पल कलर, गुड। ग्रीन। अब इसका ये भी टेस्ट हो चुका है, और जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, अब हम इसे एक बुक रीड करवाएंगे, जिससे मतलब आप लोगों को ये पता चलेगा कि कैसे बच्चा पढ़ता है। तो मेरे पास ये माइक है, और मैं इस माइक को इसकी कॉलर पर लगा दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसको आगे आना पड़ेगा कैमरे के हिसाब से, तो मैं इसको इसकी यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे को थोड़ा आगे आना पड़ेगा इसको लेकर। इसको आप जेब में रख लो। तो अंजलि, आप थोड़ा सा ऐसे करके आगे आइए, यहाँ पर खड़ी हो जाइए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और मैं इसके हाथ में एक बुक पकड़ा दे रहा हूँ, जिसको ये खुद खोलेगी और आपको बताएगी पढ़ के कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जैसा कि कहीं से भी खोल दो, कोई सा भी मतलब कुछ भी खोलिए, कोई सा भी पेज खोलो, उसमें से जो भी पेज खोलना चाहो वो खोल लीजिए, और इसमें से पढ़ के बता दो। एस, गुड। ए, गुड। एफ, गुड। ई, यू, गुड। टी, गुड। ई, गुड। आर, ओ। थैंक यू। तो जैसा कि हमने देखा, बताया था कि, तो अब ऐसा करो इसमें से और कोई पेज खोलो, कोई सा भी, और वहां से कुछ पढ़ के बताओ। गुड, आर, गुड, एस, गुड, ओ, गुड, एम, गुड, ई, गुड, जी। तो ये टेस्ट हमने इसका कर लिया है, और ये कोई सी भी बुक आप इसको दे सकते हैं, न्यूज़पेपर भी दे सकते हैं, कुछ भी रीड कर सकती है बच्ची। अब मैं चाहूंगा कि इसका एक टेस्ट और किया जाए, मैं अंजलि को बोर्ड पर बोलूंगा और ये लिखेगी, तो ऐसे करके आ जाओ इधर, और मैं इसको मार्कर दे रहा हूँ, मार्कर। तो बेटा मार्कर कहाँ पर है, तो मार्कर से इस पर अपना नाम लिखो। गुड। तो अब ऐसा करता हूँ, मैं इस पर कुछ बनाता हूँ, और अंजलि उसको आइडेंटिफाई करके बताएगी कि मैंने इस पर क्या बनाया। तो मैंने यहाँ पर कुछ बना दिया है, और मैं अंजलि से पूछूंगा ये क्या बनाया मैंने।
तो मैंने यहाँ पर जो लिखा है उसको बताएगी अंजलि क्या लिखा है? आर आर। और अभी क्या करता हूँ मैं, एक और उस लिख देता हूँ, उसको इससे पूछूंगा कि क्या लिखा है मैंने। अब बताओ क्या लिखा है? ए। तो ये भी ठीक बताया है। तो ऐसा करता हूँ मैं एक और बार कुछ लिखता हूँ। तो अच्छा अंजलि ये बताओ क्या लिखा है? शाबाश। तो अब मैं इसकी आंखों की पट्टी हटाऊंगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा कि कैसे पट्टी बांधी जाती है आंखों पर। तो जैसा कि देख पा रहे हो आप कि बच्ची को जो पट्टी हम बांधते हैं आपके आंख पर, उसके बाद भी बच्चे को आंखों को बंद रखना होता है उसके अंदर। अगर बच्चा खोलेगा तो उसका जो ब्रेन है, जो एक्टिवेशन ब्रेन का जो होता है, वो नहीं हो पाता है। तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आज जो मैंने आपको मिलवाया है दी मैजिक गर्ल अंजलि से, तो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।